जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण, आज के वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वह सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मित्रों हम नक्शे के साथ यहाँ पर आपको बताते भी चलेंगे कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करते हैं तो हमारे ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपको यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, जवाहरलाल ये बंदरगाह यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह की बात करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, आपको यहाँ पर मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोनों बंदरगाह आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और दोनों बंदरगाह कहाँ स्थित हैं? ये हमारे दोनों बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित हैं, आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से कई बार पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, यहाँ पर जान लेते हैं मित्रों, मुंबई बंदरगाह भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आपने आंसर इसको मुंबई करना है। जो मुंबई बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला ऑप्शन है, भारत में स्थित मोरगुआओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत में स्थित मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। राइट आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गोवा राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर गोवा आपको दिखेगा, देखिए पंडित जी, और ये आपका यहीं पे गोवा है और यहीं पे हमारा क्या है मित्रों बंदरगाह स्थित है, आपने याद रखना है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर स्थित है मित्रों? ये हमारे गोवा राज्य में स्थित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, यहाँ पर मारमगाओ बंदरगाह गोवा राज्य में जुआरी नदी पर, जो जुआरी नाम की नदी है उस नदी पर यह स्थित है। अगला ऑप्शन है, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग एक बार आंसर कमेंट कर दीजिएगा। कांडला बंदरगाह, और यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए आपके आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं मित्रों कांडला बंदरगाह की। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गुजरात राज्य में। अब यहाँ पर आप नक्शे में आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मित्रों कांडला बंदरगाह, दिख रहा है ना कांडला बंदरगाह। ये हमारा कौन सा राज्य है? ये हमारा इतना जो राज्य है मित्रों, ये हमारा कौन सा राज्य है? ये हमारा गुजरात है। ठीक है, कौन सा? गुजरात। और गुजरात में ही आपका कांडला बंदरगाह स्थित है। अगला ऑप्शन है, यहीं पर हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। कांडला बंदरगाह 1947 में जब कराची का बंदरगाह पाकिस्तान में गया उसके बाद कांडला बंदरगाह की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। गुजरात राज्य के गांधीधाम में पश्चिमी तट पर स्थित कांडला बंदरगाह भारत का प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह है। कांडला बंदर का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। ठीक है, जो कांडला बंदरगाह है इसके नए नाम की बात करते हैं तो इसका दीनदयाल उपाध्याय नया नाम रख दिया गया है। सबसे व्यस्त रहने वाला जो मित्रों बंदरगाह है यहाँ पर कांडला बंदरगाह है और इसको सबसे अमीर बंदरगाह भी कहा जाता है। आपने तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत में स्थित न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है सभी लोग कमेंट करेंगे। भारत में स्थित न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है?
न्यू मंगलोर बंदरगाह की बात करते हैं तो हमारा कहाँ पर स्थित है, मतलब ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कर्नाटक, ये हमारा क्या है कर्नाटक, और ये मंगलोर बंदरगाह है। ठीक है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे आगे। न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर कर्नाटक में अरब सागर के तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से मुख्यतः लोहा आयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है या मंगलोर बंदरगाह है, इससे मुख्यतः किस चीज़ का आयात या निर्यात किया जाता है, तो राइट आंसर रहेगा इसके मित्रों, लोहे लोहा और आयस्क का इसका निर्यात किया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। अगला ऑप्शन है, भारत में स्थित कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा जल्दी से। कोचीन बंदरगाह की बात करते हैं, किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोचीन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये हमारा केरल में स्थित है। कहाँ पर मित्रों? केरल में। अब यहाँ पर आप आइए, ये जो आपको भाग दिख रहा है ना, ये हमारा कौन सा भाग है? केरल का। और केरल का कोची या कोचीन, ये मित्रों एक ही नाम है, कोची या कोचीन। ये बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? केरल में। केरल का जो आपको इसे इस तरह मैंने जो बनाया है ना, इस ये पार्ट क्या है? केरल राज्य है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह केरल केरल राज्य में अरब सागर और हिंद महासागर के मार्ग पर स्थित है। ये बंदरगाह दो द्वीपों वेलिंगटन और बल्लापरदम पर स्थित है। ठीक है, ये दो द्वीपों पर स्थित है, वेलिंगटन और बल्लापरदम पर स्थित है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है, भारत में स्थित तूती कोरीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तूती कोरीन बंदर की गाह की बात करते हैं तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। राइट आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पर हम नक्शे में देखेंगे, हमको यहाँ पर दिखेगा तमिलनाडु। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट किसका? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु को ये तूती कोरिन जो बंदरगाह है ये मित्रों स्थित है तमिलनाडु में, आपने याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इसको स्टार बनाकर नोट करिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तूती कोरिन बंदरगाह, तूती कोरिन बंदरगाह तमिलनाडु का दूसरे सबसे बड़ा बंदरगाह, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तूती कोरिन बंदरगाह को चिदंबरम पोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर समुद्र तट कम गहरा होने के कारण बड़े जलयान पहले ही रोक दिए जाते हैं। अगला ऑप्शन है, भारत में स्थित चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। चेन्नई बंदरगाह की बात करते हैं मित्रों, ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी हमारा तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी आपको यहाँ पर चेन्नई दिख रही होगी, और चेन्नई में हमारा क्या स्थित है मित्रों? हमारा चेन्नई बंदरगाह स्थित है, आपने याद रखना है। ठीक है, ये हमारा क्या है? तमिलनाडु पूरा राज्य जितना लगता है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह मुख्य रूप से उर्वरक, सामान्य कार्गो, लौह अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादकों को संभालता है। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये कैसा बंदरगाह है? देश का सबसे पुराना बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह भी इसको कहा जाता है, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनेगा यहीं से बनेगा, सबसे पुराना भी पूछ सकता है या कृत्रिम बंदरगाह ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आपने इन पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करते हैं तो किस राज्य में स्थित है? सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर हम नक्शे में देखेंगे, विशाखापट्टनम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये है हमारा विशाखापट्टनम, और आंध्र प्रदेश हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा आंध्र प्रदेश का भाग है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या है मित्रों? भाग। और यहीं पर विशाखापट्टनम में हमारा क्या स्थित है मित्रों? विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है।
विशाखापट्टनम बंदरगाह पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टान है जिससे जहाज पानी की लहरों से सुरक्षित रहते हैं। यहीं पर एक डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है और पानी की लहरों से जहाज जो है कैसे रहते हैं, तो सुरक्षित रहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि आपके किस बंदरगाह पर डॉल्फिन नोज नामक की पहाड़ी है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है और इसको आपको बताना है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह पर डॉल्फिन नोज नामक की पहाड़ी है जिससे क्या होता है, समुद्र की लहरों से या समुद्र के पानी से जहाज जो है सुरक्षित रहते हैं। अगला ऑप्शन है, भारत में स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह की बात करते हैं, यह किस राज्य में स्थित है, सभी लोग देखिएगा नक्शे में और कमेंट करके हमको बताइएगा। पारादीप बंदरगाह, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, उड़ीसा राज्य में आपका पारादीप बंदरगाह है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें उड़ीसा का जो क्षेत्र है वह कितना है। ठीक है, यहाँ पर जो उड़ीसा का क्षेत्र है हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा उड़ीसा का क्षेत्र है और ये हमारा क्या है, पारादीप बंदरगाह है। आपने इसको अच्छे से याद रखना है, यही हमारा क्या है मित्रों, पारादीप बंदरगाह है, आपने याद रखना है। कहाँ पर पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर उड़ीसा राज्य में स्थित है पारादीप बंदरगाह। मुख्यतः उड़ीसा और झारखंड राज्य का लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसमें एक कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, एक रेलवे सिस्टम और एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इसे देश के बाकी हिस्सों के सड़क नेटवर्क से जोड़ता है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी एग्जाम्स के लिए। अगला ऑप्शन है, भारत में स्थित कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह की बात करते हैं तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है, सभी लोग एक बार आंसर को कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है मित्रों, कोलकाता, और कोलकाते में ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, और यहीं पर हमारा क्या है मित्रों, यहीं पर हमारा क्या है, ये हमारा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारा क्या है, कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह, ये आपने इसको अच्छे से याद रखना है, कोलकाता बंदरगाह हमारा है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, कोलकाता का जब आपको भाग इस तरह यहाँ से दिख रहा है, ये हमारा क्या है, कोलकाता का भाग है। ठीक है, और यहीं पर हमारा कोलकाता बंदरगाह स्थित है। अगला ऑप्शन है, भारत में स्थित इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, सभी लोग कमेंट करिएगा जल्दी से। भारत में स्थित इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चेन्नई में। चेन्नई में हमारा आप जो है इंदौर बंदरगाह भी स्थित है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है मित्रों, यहीं पर इंदौर बंदरगाह भी स्थित है, आपने याद रखना है, चेन्नई में। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चेन्नई बंदरगाह के बाहर वाहन को कम करने के लिए इंदौर बंदरगाह बनाया गया है। ये भारत का पहला कारपोरेट पोर्ट है। ठीक है, भारत का पहला कैसा है, कारपोरेट पोर्ट भी है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मित्रों, ये हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, आप देख लीजिएगा, अभी मैंने पीछे इसी की चर्चा की थी, यहाँ पर पूछा गया भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको बताया था पीछे, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। कहाँ पर स्थित है, ये हमारा चेन्नई में स्थित है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगला ऑप्शन है, इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग प्रश्न को नोट करेंगे स्टार बना के, और जिन लोगों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा बंदरगाह नहीं है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नहावा सोवा बंदरगाह। जो नहावा सोवा बंदरगाह है मित्रों, ये भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नहावा सोवा किसका नाम है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है मित्रों, इसी का पुराना नाम है नहावा सोवा, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ ले कि नहावा सोवा बंदरगाह नया नाम क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बंदरगाह इसका नया नाम कर दिया गया है। अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। जैसा जैसे मैंने आपको बताया था, सेम वैसे वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो गहरे बंदरगाह की बात करें यहाँ पर, हमारा हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत के किस बंदरगाह को नहावा सोवा के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस बंदरगाह को नहावा सोवा के नाम से जाना जाता है, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। अभी जस्ट मैंने इससे पीछे के क्वेश्चन में आपको बताया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसका जो पुराना नाम है वह क्या है मित्रों, नहावा सोवा बंदरगाह, आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग इसको स्टार बनाकर नोट करिएगा। नहावा सोवा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के अतिरिक्त भार वहन करने के लिए नहावा सोवा बंदरगाह बनाया गया, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, इसे अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। नहावा सोवा बंदरगाह का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भारत से बहुत दूर, ठीक है, और ये सागर के बीचों बीच में स्थित है, और हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, ये भारत का ही बंदरगाह है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है, आपने याद रखना है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये बंदरगाह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संगम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। इसने हाल ही में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में शामिल किया गया, ठीक है, भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में इसको जल्दी से शामिल किया गया, आपने याद रखना है। अब बात करते हैं हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता में हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में आपका हल्दिया बंदरगाह स्थित है, आपने याद रखना है, ठीक है। यहीं पर स्थित कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है, इसे पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। जो हल्दिया बंदरगाह है इसको पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपके प्रश्न बनेगा कि भारत का पूर्वी सॉरी भारत के पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार क्या है, ठीक है, तो आपको आंसर टिक करना है हल्दिया बंदरगाह। पूर्वी भारत का जो प्रवेश द्वार है वह हल्दिया बंदरगाह को कहा जाता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा। मिलते हैं अगले फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।